आपका? आयान। आयान, नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ। आयलन ट्वेल्थ? इलेवेंथ। इलेवेंथ में हूँ। आर्ट टेस्ट था? आर्ट टेस्ट वेस्ट तो नहीं था, वही एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था। संडे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है आप लोग? हमेशा सिलेबस पे डिपेंड करता है। हमेशा लगती है? नहीं हमेशा नहीं। अभी पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है, बस ये हम क्या है टीयर 11 में लास्ट है तो हमारा सिलेबस थोड़ा कम हुआ है। ओके। तो उसके चक्कर में टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं और मतलब सिलेबस जितने जल्दी कराना है उनको जनवरी तक और फरवरी तक। अच्छा, यहाँ पर ना लास्ट टाइम जब नीट हुई थी 2023 में, उस दिन मैं आया था तब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो थे उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत डिले चलता है। नहीं नहीं सच है ऐसा? जो पहली बैच में रहेगा ना, ये देखो वीडियो, मतलब जो पहली बैच में रहेगा टीयर 1 में रहेगा तो उसका सिलेबस एकदम एक्यूरेट चलेगा। जितना आप लेट करोगे उतना, जैसे अगर मेरी टीयर 11 है मैंने लेट करा तो अब हमें सिलेबस कराने के लिए टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं और जितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो सकते हैं डाल रहे हैं। ओके, मतलब अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अभी सेल्फ स्टडी कितने हर्स कर रहे हो आप? सेल्फ स्टडी कितने घंटे कर रहे हो? सेल्फ स्टडी पूरा दिन, पूरा दिन कर रहे हो? बस हाँ, वो टाइम जैसे कहीं मैनेज होता है, खाने पीने में निकलता है, थोड़ा कहीं आने जाने में निकलता है, बाकी तो पूरा टाइम पढ़ने का। बैच में हर्स्ट क्या आ रहा है? बैच में रैंक मेरी हाईएस्ट स्कोर क्या आ रहा है बैच में? अपनी बैच का स्कोर क्या था? 473 मतलब इतना ही आ रहा है, क्या रीजन है? मतलब हमारी बैच लेट है। नहीं नहीं वो लेट है ठीक है, लेकिन टेस्ट तो भाई मतलब पर्टिकुलर जो हो गया टाइम कम मिल रहा है। ओके ऐसा है। वो जो टेस्ट हुआ टेस्ट का लेवल भी टफ था। टॉपिक रहता है ना वो कंप्लीट होता है, हाँ? अब उसके बाद जो टाइम मिलना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो नहीं मिल पाता और टेस्ट आ जाता है, तो उसमें इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी? मैं 3 घंटे जब अच्छे से पढ़ने का मूड रहता है, नहीं तो नहीं पढ़ता। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अपना फोकस कैसे बना रहते हैं, कुछ स्टेप्स? मैं तो यही करता हूँ, एक न्यूज़पेपर या बुक लेके अपने नाम के लेटर्स ढूंढे, फर्स्ट लेटर। अच्छा, उससे जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ताकि एक फ्लुएंसी बन जाए पढ़ने के लिए। अच्छा। वैसे ही न्यूज़पेपर में अगर अपना लेटर ढूंढने से फ्लुएंसी बन जाएगी हाँ। तो फिर पढ़ाई में फोकस अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये तुमने नई चीज़ बताई यार, चलो अच्छा है। और आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं? बैच में कितने स्टूडेंट हैं? 60 है। ओके अच्छा, एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पॉजिटिव या नेगेटिव? डिस्ट्रैक्शन है बस, फ्रेंड्स होना बढ़िया हाँ। और ऐसा हो कि फ्रेंड्स हो तो पढ़ाई होती है, जो अगर पढ़ने में अब कुछ होते हैं कि हाँ चल अपन गेम खेलते हैं, कुछ हाँ चल पढ़ाई करते हैं। अभी हमने हमारे 4-5 दोस्त से ग्रुप बनाया अपना व्हाट्सएप का, हम अपने डाउट सॉल्व करते हैं बस, उसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो करते हैं। ठीक है, आपका वीडियो यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं ना हाँ। थैंक यू।